अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने आज एक वांटेड का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दावा किया गया कि यह भारतीय नागरिक है और पूर्व रॉ एजेंट है। अमेरिका ने इस भारतीय नागरिक को आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाला बताया। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस भारतीय नागरिक को पकड़ना चाहता है, सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहा है। इस मामले में आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका एक्सपोज हुआ, इस मामले में मोदी सरकार का क्या स्टैंड है, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज की डेट में इस भारतीय नागरिक की जान खतरे में। अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया। दुनिया भर की जांच एजेंसियां इसे तलाश रही और इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि यह अमेरिका में उस आतंकी पन्नू को मारने का प्लान बना रहा था जो दिन रात भारत को बर्बाद करने की साजिश रचता है। अमेरिका के लिए भले क्रिमिनल हो सकता है, साजिश रचने वाला एक वांटेड हो सकता है, लेकिन भारत की जनता आज इसे हीरो मान रही है क्योंकि पब्लिक को समझ आ रहा है कि पूर्व रॉ एजेंट पन्नू को इसलिए नहीं मारना चाहता था कि पन्नू ने उसके ताऊ की कोई जमीन हड़प ली है या उनकी भैंस खोलकर भाग गया है। भाई, वो देश के खिलाफ करने वाले एक आतंकी को खत्म करके देश की रक्षा करना चाहता था। आज उसकी जान तक खतरे में है और इसलिए हमने भी इसका चेहरा और इसकी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया ताकि देश के सपूत को और उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। लेकिन अब अमेरिका का जो भी हिसाब हो, उसकी जो भी डिप्लोमेसी हो, लेकिन भारत की जनता का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि जो व्यक्ति भारत के दुश्मन को खत्म करने में लगा है वो विलन कैसे होगा भाई, और वो भी कोई संत आदमी थोड़ी है। तो पन्नू आतंकी है, अमेरिका घुस के ठोक देता आतंकी को तो ठीक, और आतंकी पन्नू को मारने की साजिश रची जाए, उसके लिए प्लान हो, कोविड ऑपरेशन हो, तो वो आदमी जो है वो विलन हो जाएगा देश का। देश की विडंबना यह है कि भारत के आम नागरिकों की नजर में जो पूर्व खुफिया एजेंट हीरो है वही इस देश के विपक्ष के लिए विलन है। इस देश का विपक्ष वो भाषा बोल रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, जो अमेरिका को सूट करता है, जो पन्नू को सूट करता है। देश की जनता को पूर्व रॉ एजेंट के समर्थन में भर भर के मैसेजेस कर रही है जनता, खड़ी है उसके साथ। लेकिन आज जनता को यह भी देख लेना चाहिए कि विपक्ष किसकी साइड खड़ा है, क्योंकि उसे तो नरेंद्र मोदी के विरोध के आगे कुछ दिखता नहीं। देश तो उनके लिए है ही नहीं ना, लिस्ट में ही नहीं है ऐसा लगता है। जहां नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल जाए, इंडी गठबंधन बिना सोचे बिना समझे कूद पड़ता है। जैसे बांग्लादेश में बवाल मचा तो इंडी गठबंधन यही दुआ कर रहा था एक तरीके से कि कुछ ऐसा ही भारत में हो जाए। अब अमेरिका के मामले में भी इंडी गठबंधन यही करता दिख रहा है। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि जब अमेरिकी सरकार और एफबीआई भारतीय नागरिक को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दे तो यह डिप्लोमेटिक लेवल पर बड़ी नाकामी है। यह दिखाता है कि हमारी विदेश नीति और उसे तय करने वाले लोग कितने असक्षम हैं। देसी जेम्स बॉन्ड फिर से फेल हो गया, विदेश मंत्रालय फिर से फेल हो गया, पहले कनाडा और अब अमेरिका। क्या हम अपने हर दोस्त को दुश्मन बना लेंगे? भारत सरकार जवाब दे। इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर तो यही लग रहा है जैसे टीएमसी कोई अमेरिका का राजनीतिक दल है, यहां का है ही नहीं। क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में भारत के राजनीतिक दल की भाषा तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मोदी को घेरने का मामला है क्या बॉस? यह देश का मसला है। इनकी ऐसी भाषा देखकर लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह किस बात पर इतना खुश है, इस बात के लिए कि आतंकी पन्नू बच गया, या इस बात के लिए कि अमेरिका ने भारतीय नागरिक की साजिश फेल कर दी, या इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को करारा झटका लगा है इनकी नजर में। कहीं तो मोदी से आगे बढ़ के सोचोगे बॉस। और इसी तरह टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सागरिका घोष ने लिख दिया कि इस बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, इसके बाद संसद में पूरा बयान देना चाहिए। चलिए, सागरिका घोष की यह मांग तो फिर भी ठीक मान लें एक सेकंड के लिए कि सरकार को विपक्ष को जानकारी देनी चाहिए। लेकिन सरकार भी तो विपक्ष की हालत देख रही होगी, कैसे वो नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में अमेरिका के साथ खड़े दिखने लगते हैं, और नरेंद्र मोदी किस विपक्ष को भरोसे मिले? उस विपक्ष को जो पूरी बात जाने बिना ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जो डंके की चोट पर भारतीय नागरिक की पहचान को जगह जगह सार्वजनिक कर रहा है, उसकी जान को खतरे में डाल रहा है। अभी तो मामला अमेरिका की कोर्ट में चल ही रहा है, अभी डिप्लोमेटिक चैनल पर दोनों देशों की बातचीत चल ही रही है। कौन सी जानकारी चाहिए इनको? जिस व्यक्ति को अमेरिका मोस्ट वांटेड बता रहा है उसके बारे में अमेरिका क्या क्या कह रहा है वो आपको बताता हूं। अमेरिका के मुताबिक इस भारतीय नागरिक ने पन्नू को मारने की साजिश भारत से बैठे बैठे रची। इसी ने आतंकी पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को हायर किया।
अमेरिका ने शुरू में उसे भारत सरकार का एक कर्मचारी बताया। अमेरिका के मुताबिक यह व्यक्ति वरिष्ठ फील्ड अधिकारी है जो पहले सीआरपीएफ में रह चुका है। अमेरिका ने जो इसकी एक तस्वीर जारी की है उसमें यह भारतीय नागरिक सेना की वर्दी में दिख रहा है। अमेरिका ने इसकी और भी जानकारी दी जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे ताकि इसकी जान को खतरा ना हो, क्योंकि इस देश का विपक्ष कुछ भी सोचे हम तो यही जानते हैं कि रॉ का एजेंट हो या रॉ का पूर्व एजेंट हो, वो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वरना उनको कोई शौक नहीं है कि अपना परिवार छोड़कर कहीं किसी ऑपरेशन में लगे हों। कौन पूछता है बॉस उनकी जिंदगी के बारे में? कुछ उनको हो जाए कोई बात करने वाला नहीं होता, किसी को वो बताते तक नहीं है कि वो रॉ के एजेंट हैं या खुफिया एजेंट हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। और आज एक व्यक्ति अमेरिका ने कह दिया इसलिए मोस्ट वांटेड हो गया इस देश के विपक्ष के लिए भी, और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने जैसे ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक भारतीय का नाम चस्पा किया वैसे ही कांग्रेसी नेताओं के चेहरे चमक उठे कि मोदी को तो घेरने का मौका मिल गया। मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें कहा गया कि बिग ब्रेकिंग, मोदी राज में भारत के लिए एक और काला अध्याय, एक पूर्व रॉ एजेंट अब एफबीआई की वांटेड लिस्ट में है। एफबीआई उसे अमेरिकी धरती पर मर्डर की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में तलाश रही है। यह बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी विदेश में हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों के चक्कर में भारत की छवि खराब हो रही है। पहले कनाडा राजनीतिक दखल का आरोप लगाता है और अब अमेरिका ऐसी अराजकता के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुंबई कांग्रेस ने यह तो बता दिया कि एक भारतीय नागरिक अमेरिका के लिए वांटेड है, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर यह आरोप सही भी है तो वह भारतीय नागरिक वहां किसी मासूम को नहीं बल्कि एक आतंकी को खत्म करने का प्लान बना रहा था। अमेरिका के लिए आतंकी पन्नू भी अगर उसके यहां का नागरिक है तो इंपॉर्टेंट है, जो कि टेररिस्ट है, और आपके यहां का पूर्व रॉ एजेंट जो आपके लिए आपके देश के लिए काम करता है वो आपके यहां का नागरिक है, लेकिन मोदी को घेरने के चक्कर में आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए बॉस। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने कनाडा के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो तो भारत पर आरोप लगाकर खुद एक्सपोज हो गए, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस की उल्टी ही गंगा बह रही है। हालांकि बाद में मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन सिर्फ भारत पर ही सवाल क्यों, जबकि ये तो दुनिया भर में होता है। अलग अलग देश की खुफिया एजेंसियों के दुनिया भर में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो सीक्रेट ऑपरेशंस करती हैं। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, वो भी तो टेररिस्ट था, अमेरिका में तो किसी ने नहीं कहा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तो आजकल के हमेशा से बड़े चर्चे हैं। हमास और हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन में मार गिराया उसको। इसी तरह से यूके में खुफिया एजेंसी MI6 है, फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अकेले कोई रॉ बना रखा है और कोई बहुत अलग सा काम कर रहा है, दुनिया भर में ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं। हर बार क्या घर में घुस के ठोकेंगे आप लोगों को? और यहां तो सवाल अमेरिका से होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिका में ही पल रहा है, अमेरिका से ही पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता है। इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक का साजिश करता डेविड हेडली अमेरिका में रहता था, अमेरिका से उसने भारत आकर रेकी की थी। इसी तरह से 26/11 मुंबई अटैक का एक और साजिश करता तहव्वुर राणा अमेरिका में रहता था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आज तक अमेरिका ने नहीं किया। कई साल पहले रविंदर सिंह का एक मामला आया था जो रॉ एजेंट था, लेकिन बाद में CIA का डबल एजेंट हो गया और CIA को जानकारियां देता था। रविंदर सिंह के बारे में जब तक भारत को पता चला उसे CIA ने भारत से भगा दिया और बाद में कह दिया कि रविंदर सिंह को तो वो जानते ही नहीं है। तो सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए। और आप ये भी सोचिए कि जब आप कोई स्पाई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं जिसमें हीरो जासूस होता है, कोई एजेंट होता है और वो देश विदेश में कोई सीक्रेट ऑपरेशन करता है, दुश्मनों को मारता है या किसी बड़े हमले को नाकाम करता है, तब तो खूब ताली पीटते हैं लोग। जैसे आपने फैमिली मैन सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई, उसमें मनोज बाजपेयी क्या थे? सीक्रेट एजेंट ही तो बने हुए। स्पेशल ऑप सीरीज आपने देखी होगी, बहुत पॉपुलर हुई, वो किस चीज पर थी? हॉलिडे, बेबी, पठान, टाइगर 3, इस तरह की फिल्मों में एजेंसी तो दिखाए गए।
इस तरह की फिल्मों को तो खूब तारीफ मिलती है, लोग ऐसी फिल्में देखकर समझते हैं कि ऐसे गुमनाम हीरो भी होते हैं जो देश के लिए सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जान पर खेल जाते हैं, इनके बलिदान को सार्वजनिक तौर पर कोई जान भी नहीं पाता। ऐसे लोगों पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन आज जब यही फिल्मी कहानी रियल बनकर सामने आ गई तो कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, नेता राजनीति करने लगते हैं। जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश के कई खुफिया एजेंट्स गुमनामी में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट कर पा रहे हैं झकाझक झकाझक एसी में, क्योंकि कोई खुफिया एजेंट, इस देश के सैनिक बॉर्डर पर सब दिन रात काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही पूर्व रॉ एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता पूर्व रॉ एजेंट की तारीफों के पुल बांध रही है। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व रॉ एजेंट को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल पाया, हमें उस एजेंट पर गर्व है, सारे सुपर हीरो सलामी दे रहे हैं। एक और यूजर ने एक लड़की के नाम का जिक्र करते हुए उसे पूर्व रॉ एजेंट की गर्लफ्रेंड बताया और अमेरिकी एजेंसियों को उस लड़की पर नजर रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने से पूर्व रॉ एजेंट को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे इस यूजर ने लिखा कि उसकी पहचान गुप्त रखते हुए उसके अकाउंट में $15,000 का रिवॉर्ड डिपॉजिट कर दिया जाए, यानी लोग अमेरिका के मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई और पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें लोग पूर्व रॉ एजेंट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट देखिए जिसमें पूर्व रॉ एजेंट को बीच में खड़ा दिखाया गया है और सारे सुपर हीरो उसके सम्मान में झुके हुए नजर आ रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए, इसमें यूजर ने एक मैप शेयर किया है जिसमें एक जगह भाड़ को पूर्व रॉ एजेंट की करंट लोकेशन बताया गया और अमेरिका को भाड़ में जाने की नसीहत दी गई, यानी गो टू भाड़। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूर्व रॉ एजेंट को हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसका नाम एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। ऐसी एक पोस्ट में एक यूजर ने ओसामा बिन लादेन और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिका को निशाने पर लिया और लिखा कि क्या अमेरिका ने इनको मारने से पहले संबंधित देशों से मंजूरी ली थी क्या। आगे पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ने नसरल्ला और याहिया सिनवार और दूसरे हमास नेताओं को मारने से पहले पूछा था क्या। ऐसी एक और पोस्ट में एक यूजर ने पूर्व रॉ एजेंट पर एफबीआई के डायरेक्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो कैरेक्टर खराब है। देश की पब्लिक साथ दे रही है सरकार का, रॉ का, रॉ के पूर्व एजेंट का, और यहां का विपक्ष इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है। अब आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं कि अमेरिका ने पन्नू मामले में भारत के एक्स एजेंट पर क्या आरोप तय किए जिनके आधार पर अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाला है, उसके बारे में भी जानिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। आरोप है कि पूर्व रॉ एजेंट अभी फरार चल रहा है और इस मामले में दाखिल पहली चार्जशीट में भारत के इस एक्स एजेंट को कोडनेम CC1 दिया गया, यानी उसे केस में को कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। आरोप है कि भारत के एक्स एजेंट ने हत्या की साजिश में शामिल अपने सहयोगी को विक्टिम के घर का पता, फोन नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मुहैया करवाई। भारत के एक्स एजेंट के जिस सहयोगी का जिक्र एफबीआई ने किया है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया गया है, जिसे पिछले साल चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया। निखिल गुप्ता को पहले ही पन्नू की हत्या की कथित साजिश में केस चलाने के लिए अमेरिका डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी वो जेल में बंद है। 18 पन्नों की चार्जशीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें न्यूयॉर्क में दो लोग कार के अंदर डॉलर्स का लेन देन कर रहे हैं, जिसको लेकर एफबीआई का दावा है कि भारत के एक्स एजेंट और निखिल गुप्ता की तरफ से यह रकम कथित किलर को आतंकवादी पन्नू की हत्या के लिए दी गई थी। एफबीआई ने भारत के कथित एक्स एजेंट की 3 तस्वीरों के साथ एक वॉन्टेड पोस्टर भी जारी किया और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। एफबीआई की चार्जशीट में एक्स एजेंट को लेकर कई और दावे किए गए। चार्जशीट के मुताबिक भारत के जिस एक्स एजेंट को आरोपी बनाया गया है वो भारत का सरकारी कर्मचारी है, उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की। चार्जशीट में दावा किया गया है कि भारत के एक्स एजेंट को 2 और नामों से भी जाना जाता है। इस केस में भारतीय एक्स एजेंट दूसरा आरोपी है जिस पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक भारत के एक्स एजेंट ने अपनी पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर मेंशन किया, जिसकी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की। चार्जशीट में यह भी दावा है कि भारत का यह एक्स एजेंट पहले भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में रह चुका है और उसे अधिकारियों को दी जाने वाली बैटल क्राफ्ट और वेपन की ट्रेनिंग मिली है। आगे चार्जशीट कहती है कि यह एक्स एजेंट भारत से हत्या की साजिश रच रहा था और उसके लिए उसे निर्देश दिए गए। हालांकि भारत के एक्स एजेंट की जिस तस्वीर में उसे सेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है उसमें रैंक की पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उसके अफसर होने का पता चल पाए।
लेकिन चार्जशीट में उसे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बता दिया गया। अमेरिका के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस एजेंट के नाम का जिक्र किया जा रहा है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। भारत सरकार पहले ही अमेरिकी धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। पिछले साल अमेरिका के आरोपों के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी। अमेरिका ने इस मामले में भारत से मिले सहयोग पर संतोष जताया है। अब आपको उस केस के बारे में भी बताता हूं जिसमें एक्स एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डाला गया। दरअसल पिछले साल वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की जमीन पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। इस मामले में बाद में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था। इसी केस में निखिल गुप्ता और भारत के एक्स एजेंट पर पन्नू की हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी बनाए गए। आरोप है कि पन्नू की हत्या के लिए $1,00,000 की सुपारी दी गई जिसके एडवांस के तौर पर $15,000 की पेमेंट न्यूयॉर्क में की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी नागरिक है। अमेरिका अपनी ही जमीन पर अपने नागरिक की हत्या की साजिश से भड़का हुआ है और अमेरिकी कोर्ट में वकील ये कहकर पन्नू का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो अपने बोलने की आजादी के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उसे खामोश करने की साजिश की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसे अमेरिका बोलने की आजादी कह रहा है उसे दरअसल आतंकी हमले की धमकी कहना चाहिए, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत को किसी ना किसी बात पर धमकाता है। कभी वो एयरपोर्ट तो कभी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी वो भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, कभी देश की संसद पर हमले की धमकी देता है, कभी कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देता है, कभी पंजाब तो कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है, कभी राम मंदिर को लेकर धमकी देता है।